तो आज मैं आप लोगों को 9th क्लास यानी कि कक्षा 9 का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करा दिया है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसके बारे में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको किस तरह के प्रश्न दिए गए हैं और उसमें पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, हेडलाइंस क्या है इसमें से देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि आपको कुल जो प्रश्न है 30 है, 1 से 30 तक है, यानी कि 30 को प्रश्न है और 30 प्रश्न में से आपको 15 किन्हीं पर कोई भी 15 प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को देना है। तो हम आप लोगों को 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक का आंसर बताएंगे, आप जो मन हो परीक्षा में आप आसानी से बना सकते थे। तो चलिए हम देखते हैं कि आप अगर क्वेश्चन बनाए हैं तो उसका आंसर आप मिला भी सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर जो आपका प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 3 प्रमेय संख्या ज्ञात करें। तो परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 1 नंबर प्रश्न पहले, ठीक है। तो देखिएगा 3 और 4 के बीच 3 प्रश्न संख्या प्रश्न परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में। तो परिमेय संख्या निकालने का एक सिंपल सा फंडा होता है यानी रूल्स होता है कि दो संख्या जो दिया गया है उसको आप जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, पहला परिमेय संख्या आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए प्रथम परिमेय संख्या अगर हम निकालेंगे तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 और 4 को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो 3 और 4 मिल के हो गया 7, 7/2 यानी कि ये एक आंसर आ गया। तो पहला परिमेय संख्या तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और दूसरा परिमेय संख्या अगर निकालने की बात करें तो ये दोनों में से कोई एगो उठा लीजिए और जो आंसर आया है ना उसको एगो जोड़ दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर 3 उठा लिए तो 3 और ये जो आंसर आया था 7/2 उसको ले लेंगे। तो 3 और 7/2 जोड़ दिए और फिर उसमें किससे भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए। अब इसको आप भिन्न के जोड़ बनाना जानते होंगे तो 2 इसके बटा में कुछ ना था 1 1 2 का लघुत्तम 2, तो 3 2 6 और प्लस में 7, 7 6 कितना होगा 13, 13/2 रहेगा और बटा में 2 तो है ही है, 13/2 है और ये जो 2 है ना ये भागा में है, गुना में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 13/4, 2 2 कितना होगा 4। बहुत लेगा क्या करता है 2 से 2 बर्बाद करके गड़बड़ा लेता है, ठीक ना, आप लोग नहीं गड़बड़ाइएगा। इसका आंसर आएगा 13/4। तो दूसरा परिमेय संख्या समझ में आ गई। तीसरा परिमेय संख्या देखिएगा, तीसरा परिमेय संख्या जो होगा उसी तरह से आप इसमें से कोई एगो उठा सकते हैं। तो पहला संख्या उठा लिए 3 और दूसरा कितना आया था 13/4 आया था ना, तो 13/4 लिखे, ठीक है, और बट्टा में हम क्या लिखे फिर 2 से भाग देंगे। अब इसको आप भिन्न के जोड़ बनाइए तो इसके बट्टा में कुछ ना था 1 1 4 का लघुत्तम 4, तो 4 3 12 और प्लस में 13 और बट्टा में तो 2 रहेगा। अब 13 12 जोड़ेंगे तो 25, बट्टा में 4 बट्टा में 2 और ये भागा में 2 है ना, ये गुना में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए 25 और 4 2 कितना 8, यानी कि इसको आप काट मत दीजिएगा, ठीक है, अक्सर लड़का यहाँ पर गलती कर लेता है। तो इसका आंसर जो आएगा 25/8। तो इस तरह से आप 3 को परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, आपसे 3 को परिमेय संख्या पूछा जा रहा था, ठीक है, और अगर इससे ज्यादा पूछा जाता तो इसी तरह से हम आगे बना लेते। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका अगला सवाल क्या है। 2 नंबर सवाल कह रहा है 0.6 पर रैकरिंग है को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें जहां पी और क्यू पूर्णांक है एवं क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर जो है परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त करना है, ठीक है। तो दूसरा सवाल देखिएगा ध्यान से, देखिएगा दूसरा सवाल क्या है कि 0.6 पर रैकरिंग को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें जहां पर पी और क्यू क्या है पूर्णांक है और क्यू के मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिएगा। पहले जो भी आपको प्रश्न दिया गया होगा उसको एक्स मान लीजिएगा, कथी मान लीजिएगा एक्स मान लीजिएगा। तो एक्स बराबर कितना मानिएगा 0.6 पर रैकरिंग, और देखिए इस रैकरिंग का मतलब होता है कि 6 6 6 6 6 बहुतों बार, कितना बार, अनंत तक जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिखें 0.6666666, जितना मन उतना लिख दीजिए और डॉट डॉट लगा दीजिए क्योंकि हमेशा क्या आएगा 6 6 6 ही आएगा और इसको हम समीकरण मान ली एक मान ली। तो याद रखिएगा अगर दशमलव के बाद, अगर दशमलव यहां पर देखिए दशमलव के बाद एक पहले एक को अंक नहीं है इसीलिए हम 10 से गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे। अब 10 से गुना क्यों किए, क्योंकि हमको दशमलव यहां से घसकाना है, ठीक है।
अब 10 से जब गुना करेंगे तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और दशमलव यहाँ जो था अगर 10 से गुना करेंगे तो 6 के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये 6 के बाद दशमलव होगा और उसके बाद तो 6 6 6 6 अनंत तक है, तो इसीलिए हम 6 6 6 6 6 अनंत तक फिर लिख दिए समीकरण, इसको 2 मान ली। एक बार फिर से समझिएगा, इसमें हम कैसे गुना किए, 10 से गुना किए, ठीक है, तो 10x हो गया और इस दशमलव जो है एगो दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाइएगा तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, और ये देखिए 6 दशमलव के बाद 6 6 6 तो इसमें भी है, और 0.666 ये है तो दशमलव के बाद तो सेम अंक है इसमें, है ना, तो अब क्या करें, 6 में से अगर 0 घटाएंगे तो 6 आएगा, और ये दशमलव वाला के बाद तो दशमलव वाला सेम है तो घट गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब आप देखिए इसको हम बटा में लिख सकते हैं, गुना में 9 है तो बटा में जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 3 6 और ये आ गया 3 3 9, तो इस तरह से आपका x का मान कितना आया, 2/3। अगर आप चाहें तो इसका आंसर जो है बनाकर टेस्ट भी कर सकते हैं कि हम जो बनाए हैं उसका आंसर सही है कि गलत है, चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 2/3 से भाग दे के देखिए आपको आंसर इतना मिल जाएगा फिर से, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपका, 2√2 + 5√3 और √2 − 3√2 को जोड़े, यानी कि दोनों जो है ना, दोनों जो परिमेय संख्या रूप में रूट में लिखा हुआ है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है और जोड़कर बताना है कि आंसर क्या होगा ये, ठीक है, ये तो अपरिमेय संख्या है दोनों, और दोनों को जोड़ना है, तो देखिएगा सिंपल सी बात है, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, 2√2 + 5√3 और √2 − 3√2 को जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब क्या होता है, बीच में हम प्लस का साइन दे देंगे, तो इतना प्लस इतना दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने का मतलब समझ रहे हैं कि बीच में हम प्लस का साइन देंगे। अब आप क्या कीजिए, ब्रैकेट देखिए, यहाँ पर प्लस जोड़ने के लिए कह रहा है तो इसका ब्रैकेट चेंज नहीं होगा, ये जस के तस रह जाएगा और ये अभी जस के तस रह गया, लेकिन अब आपको करना क्या है, जात वाला को मिलाना है, तो देखिए इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो ये तीनों जो है ना एक जात का है, तो देखिए 2 गो √2 और 1 गो √2 तो कैगो हो गया, 3 गो √2 और ये माइनस में 3 गो √2 छोड़ दीजिए, और ये प्लस में 5 √3 तो है ही है, बेचारा ये √3 वाला है तो अकेले रह जाएगा जस के तक, अभी प्लस में और ये माइनस में ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये बर्बाद हो जाएगा, तो जो बचेगा वही आबाद हो जाएगा, तो 5√3 सिर्फ बचा, तो 5√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 नंबर समझ में आ गए, बस आसानी से जात वाला को जोड़ दिए और बिना जात वाला को छोड़ दिए, ये दोनों सेम था तो कट गया, तो बचेगा से आंसर, इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिएगा 4 नंबर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जा रहा था, 4 नंबर प्रश्न था 1/√7 के हर का परिमेयकरण करें, देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल 2 नंबर का था, 1/√7 के हर का परिमेयकरण, ध्यान दीजिएगा 1/√7 के हर का परिमेयकरण करना था, परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे में जो रूट आपको दिखाई दे रहा है इस रूट को हटा देना, ठीक है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, रूट से गुना उतने से, जितना नीचा रहेगा ना उतने से गुना कीजिएगा और उतने से भाग दीजिएगा, जैसे नीचे में √7 है तो √7 से गुना, √7 से भाग, अब इसको गुना कीजिए, 1 में √7 से तो √7 रहेगा, और √7 में √7 से गुना करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 7। अब आप सोच लीजिए नीचे में ये हर है और हर में अब रूट नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए हर का परिमेयकरण हो गया और इसका आंसर जो है यही रहेगा, √7/7, ठीक है, तो बड़े 4 नंबर का आसान सा सवाल था, 2 नंबर आपको आसानी से मिल सकता था अगर आप इतना बना लेते तो, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, ध्यान से समझिएगा 5 नंबर प्रश्न देखिएगा आप अपना, 5 नंबर है 7^(1/2) और गुना में 8^(1/2) को सरल करें, ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, 7^(1/2) 8^(1/2) को सरल करें, बीच में गुना का चिन्ह है, तो देखिएगा ध्यान से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ये है 7^(1/2) और 8^(1/2), तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये तो बेचारा दोनों को हम उतार दिए, देखिए बीच में इस गुना का साइन है और गुना का मतलब देखिए इसमें 7^(1/2) है, 8^(1/2) है, तो दोनों पर पावर जो है ना वो सेम है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7×8^(1/2), यानी कि दोनों पर पावर सेम है, इसीलिए हम एक दोनों को गुना करके पावर में 1/2 लगा सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए तो 7×8 कितना होता है 56, तो 56^(1/2), और आप लोगों को यह पता होगा कि 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, तो √56 यानी 56 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 56 को पहले आप फैक्टर करके देखिए, तो 56 का आधा 28,
दो बार में लगा, फिर दो बार में 14, फिर दो बार में तो 7, अब तो 7 से ही लगेगा, अगर मन है तो 7 से लगा सकते हैं एक बार में, यही ना। तो इसका गुणनखंड हम किए तो क्या आया, देखिए 56 का गुणनखंड 2, 2, 2 और 7, तो 2 × 2 × 2 × 7। अब बताइए रूट से बाहर 2 × 2 में से तो 1 निकल जाएगा, अब एकर तो जोड़ा नहीं है तो ये दोनों अटक जाएगा, तो इसलिए 2√7 तो अंदर रह जाएगा, तो इसका मतलब क्या, 2 बाहर आ जाएगा और 7 × 2 = 14 अंदर रह जाएगा, और इसका आंसर यही हो सकता है। ठीक है, चाहे तो आप इतना पर भी छोड़ सकते थे, आप चाहे तो आंसर यहाँ तक निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा 5 नंबर तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 6 नंबर। देखिए x बराबर 0 पर बहुपद 5x − 4x² + 3 का मान ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा सवाल था, बस x बराबर 0 इसमें फंक्शन में रख देना था और उसमें मान निकाल लेना था। देखिएगा ध्यान से कि 6 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिएगा x बराबर 0 पर बहुपद 5x − 4x² + 3 का मान ज्ञात करना था। तो पहले क्या कीजिए, इस जो बहुपद आपको दिया गया ना, इसको आप पी एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो हम पी एक्स मान लिए 5x − 4x² + 3, और इसमें आपको करना क्या था, x के मान आपको 0 रख देना है। कितना रख देना है, 0 रख देना है। तो x के मान 0 रखिएगा, तो x के सामने 0 रखिए, जहाँ जाए इसमें आपको x दिखाई दे रहा है ना, वहाँ सब जगह 0 रख दीजिए। तो 5 × 0 और 4 × 0² + 3, तो 5 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और 0² तो 0 ही होता है, 0 में 4 से गुना कीजिएगा तो 0 रहेगा, + में 3, 0 में से 0 घटेगा तो 0, और जुड़िएगा 3 तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, और इसका आंसर यही है। बस इतना बनाते आपको 2 नंबर मिल जाता। ठीक है, बड़ी आसान सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अब हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल आप लोगों का है, बहुपद 3x³ − 3x² − 3x + 7 को x − 1 से भाग देना है। तो भाग देने तो आप लोगों को बड़ा अच्छा से आता ही है, चलिए तो हम लोग भी देख लेते हैं कि भाग हम इसको कैसे देंगे। देखिए बहुपद 3x³ − 3x² − 3x + 7 को भाग देना है x − 1 से। तो भाग देने का तरीका समझिए सिंपल सा, x − 1 इधर लिखे और ये जिसमें हमको भाग देना है उस पूरे टर्म को यहाँ से उतार दिए। उतारने के बाद आप सोचिए कि आपको, आपके पास x है और लाना यहाँ पर 3x³ है, तो आपको 3x² से गुना करना हो, क्योंकि आपके पास एक गो x है और लाना कै गो है, 3 गो है ना, तो 3 से गुना करना होगा और x³ चाहिए, इसलिए x² लगा। अब इसको गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो 3x³ आ जाएगा, और 1 में इसे गुना कीजिएगा तो −3x². अब ये देखिए प्लस में और ये माइनस में इसका चिन्ह बदल देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है तो कथी लिखेंगे, प्लस। अब आप बताइए ये माइनस है और प्लस है, ये हो दोनों सेम है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या बचा, −3x और + में 7। अब बताइए अब कैसे गुना करेंगे, आपके पास ए गो एक्स है और यहाँ पर −3x लाना है, तो हम −3 से गुना कर रहे हैं, तो इसलिए −3 से जब इसमें गुना करेंगे तो −3x आएगा, अब −3 में −1 से तो कथी हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, −3 में −1 से गुना करेंगे तो +3, और ये −+ मिल के कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, इस 7 में से 3 घट जाएगा इस बार, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, वो अभी प्लस में। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं, भागफल जो आया यहाँ 3x² − 3 है, और शेषफल जो है, शेषफल कितना आया है, 4 है, तो शेषफल आपका 4 हो गया। इस तरह से आप आंसर आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को 7 नंबर तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है आपका, x² + 7x + 12 का गुणनखंड करें, मतलब x² + 7x + 12 का गुणनखंड करना है, और गुणनखंड तो बहुत ही आसान होता है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम इसको गुणनखंड कैसे करते हैं देख लेते हैं एक बार। देखिए x² + 7x + 12 का गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड में आप लोगों को बताया गया था कि इस बीच वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को दो भाग में बांटते हैं, और इस तरह से दो भाग में बांटते हैं कि जोड़ने के बाद 7 पूरे, और गुना करने के बाद पहला और अंतिम में गुना करके उतना आना चाहिए। तो पहला में x² है, अंतिम में 12 है, तो 12x² आपको लाना है। तो सोचिए 4 में 3 से गुना कीजिएगा ना, तो 12x² भी आपको आ जाएगा, और जुड़िएगा तो 7 भी आ जाएगा। तो इसीलिए हम इस 7 को दो भाग में तोड़ दिए हैं, 3x + 4x। ठीक है, 7 आ जाएगा, 4 × 12x² भी आ जाएगा। ये दोनों में से क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो यहाँ पर x + 3 बचेगा। ये दोनों में से 4 मिलेगा, तो 4 कॉमन लेंगे तो x + 3 बचेगा, है ना। देख लीजिए एक बार, 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12। अब देखिए x + 3 दो बार है, तो इसको आप एक बार लिखेंगे और एक बचेगा x + 4, और यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड बहुत ही आसान है, बस आपको इसको दो भाग में सोचना था ऐसा कि गुना करने के बाद पहला और अंतिम जैसा आ जाए। तो इस तरह से आप आसानी से गुणनखंड कर सकते थे। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, सीधे गुना किए बिना 103 और 105 का गुणनफल ज्ञात करना, मतलब 103 गुने 105 का मान ज्ञात करना है, और बिना गुना किए, ऐसा नहीं कि 103 में 105 से गुना करके आंसर लिख दीजिए, वैसा नहीं बनाना है आपको। सीधा गुना किए बिना, मतलब बिना गुना किए हुए आपको इसको बनाना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सीधे गुना किए बिना 103 और 105 का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप लिखेंगे 103 गुने 105, और इसको गुना नहीं करना है। 103 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, मतलब 100 रुपया प्लस 3 रुपया, और 105 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 5, फिर 105 आ जाएगा। अब इसको आप गुना कर लीजिए ब्रैकेट तोड़ के। तो देखिए, 100 में 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ध्यान से समझ में आ रहा है ना। दो गो सुनना ही है, दो गो सुनना तो चार गो सुनना हो जाएगा, एक पर चार गो सुनना। और 100 में 5 से गुना कीजिएगा तो 500 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 में 100 से गुना कीजिएगा तो 300 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 × 3 = 15 लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये तो आपका 10,000 है, जोड़ दीजिए 500 और 3 800 और 15 रुपया, तो 815 रुपया हो गया, और 10,000 है तो 10,815 रुपया आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें हम बिना गुना किए हुए आसानी से निकाल दिए, आपको गुना नहीं करना था, बल्कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज लगाकर इस तरह से बनाना था, ठीक है। तो आपको 9 नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। बात समझिएगा ध्यान से, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिएगा प्रश्न को, आप एक बार देख लीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं एक 18 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप भी 42 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो आप लोगों को हीरोन फार्मूला याद होगा, हीरोन का सूत्र जो होता है, उसमें तीनों भुजा अगर पता हो तो हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से समझिएगा, परिमाप जो है आप लोगों को पता था 42 सेंटीमीटर, और परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो पहला 18 था, दूसरा 10 था, तीसरा पता नहीं था, तो इसीलिए तीसरा को हम x मान लिए। तीसरा को क्या मान लिए बुआ सा, x मान लिए, और बराबर के बाद 42 लिखे, इधर जोड़ दीजिए 18 10 28 होगा, तो प्लस 28 इधर आके माइनस 28, हमको x का मान निकालना है, तो 42 में से 28 घटाइएगा तो 14 आएगा। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू तो निकल गया, x का वैल्यू कितना आया, 14 आया। तो तीसरा जो भुजा था वह 14 है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये जो परिमाप है ना, और परिमाप को हम लोग 2s के नाम से जानते हैं। परिमाप को किसके नाम से जानते हैं, 2s, और 2s बराबर 42 है, तो इससे हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, s का मान कितना आया, 21 आया। s का मान कितना आया, 21। तो अब बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूला से आप लोगों को पता होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, याद है ना, रूट अंडर क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस का मान आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 21 है, तो 21 लिखेंगे, और एस का मान 21, और ए कहने का मतलब पहला भुजा, तो पहला 18 है, तो 18, एस का मान 21, और बी मतलब दूसरा भुजा 10 है ना, देख सकते हैं यहाँ पर 10 है, तो B का मान 10, S के मान 21, और C मतलब तीसरा भुजा, और तीसरा भुजा X का मान निकाल के लाए थे 14, तो यहाँ पर लिखे 14, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, X का मान 21, S का मान 21, A का मान पहला भुजा 18, और S का मान 21, B का मान दूसरा भुजा 10, S का मान 21, और C का मान तीसरा भुजा मतलब 14। अब इसको घटाइए, 21 तो 21 रहेगा, 21 में से 18 घटाएंगे तो 3, 21 में से 10 घटाएंगे तो 11, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, इस 21 को आप फैक्टर कर सकते हैं गुणनखंड, ऐसे 7 × 3 लिख सकते हैं, 7 × 21 आ जाएगा, ये 3 × 10 = 10, 11 × 10 = 10, 7 × 10 = 10। अब जोड़ा लगाइए, वर्गमूल है तो रूट से बाहर निकालना है, तो 2 × 3 में से 1 × 3 निकल गया, 2 × 7 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 1 × 7 निकल गया, और 1 √21, रूट 11 जो है आप आराम से रूटे में रह जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा तो नहीं लगा। अब आप इसको गुना कर दीजिए तो 7 × 21 रूट 11 में रह जाएगा, और यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते थे। तो इस वीडियो में हम लोग 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन को बात किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 नंबर से लेकर आगे कोई क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों को और अच्छा से इसी तरह से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया हो जो भी हमने अभी आप लोगों को 1 नंबर से 10 नंबर तक का क्वेश्चन जो बताया है, अगर आप लोगों को समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।